जो सीईओ कुमार एडवर्टाइजमेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के वो इस प्रोग्राम के पेशरफ के लिए स्टेज पे तशरीफ ले के आए। शेख अख्तर रहमान साहब नाज़रीन और हाज़रीन, मैं शेख अख्तर रहमान कुमार एडवर्टाइजमेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान मुंतखब किए हैं। यह प्रोग्राम मुंतखब करने का मतलब, आज नेशनल डे है, इस दिन के हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम जिला हरिपुर में भी आयोजित करवाया। मैं अपने तमाम ख्वातीन और हजरात, जनाब इज़्ज़त मां असद शिराजी साहब इस तारफ के मोहताज ने 88.6 यहाँ पे हरिपुर की शान, हरिपुर की पहचान, हरिपुर के कल्चर सकाफत को फरोग देने में एक अपना रोल अदा कर रहा है। उसके साथ जनाब इज़्ज़त मां तारक तनोली साहब, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से यहाँ पे वो मसाइल हल करवाए हमारे हज़ारा डिवीजन में जो किसी तारक के मोहताज हैं। उनके साथ अगर मैं तालीम की बात ना करूँ तो ये मेरे अंदाजे से यहाँ पे ज़्यादी होगी। हो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुख्तियार साहब वो भी हमारे प्रोग्राम में हैं, और एज ए जज की ड्यूटी ये तीनों हमारे इज़्ज़त मां साहिबान अदा करेंगे। उनके साथ मुख्तियार साहब सीनियर नायब सदर हैं होप के, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए। तमाम साहिबान को मैं दिल के था गिरानियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ हमारे प्रोग्राम में आप तमाम मीडिया के साहिबान, जिन्होंने आज हमने ऑडियंस को तो इनवाइट नहीं किया यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से यहाँ पे जिले इंतजामिया का भी थोड़ा सा हमारे साथ तामन रहा है,
लेकिन उनके साथ भी थोड़े से मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे आरटीएस को जमा नहीं कर सके, ना ही करना था। इसके मैं आप तमाम जो आरटीएस हमें देख रहे हैं उनसे माजरत भी करता हूँ, और उसके साथ हमारे साथ मतलब ताज पटवारी साहब हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद वकास साहब आए मलक वकास साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर साहब का जिन्होंने हमें यहाँ पे इजाज़त दी। उसके बाद वकास साहब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पे उनकी इजाज़त, और उसके बाद DMO साहब पूरे अधिकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे हरिपुर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में मुकम्मल तौर पे तआवुन किया हमारे साथ। और एक बार फिर मैं आप शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। बस सलाम। और उठ के बता दो, उठो और उठ के बता दो इनको कि हम हैं ईमान सारे, ना हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके मरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगा मिली नगमे के मुकाबले के लिए युसरा नूर को कि वो आएँ और यहाँ पर मिली नगमा पेश करें। मट्टी के तावीज़ बना के
नामे वतन का गले लगा के, नामे वतन का गले लगा के। दास लोगो, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो, पाकिस्तान जिंदा। नियत और हैसियत को उजागर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है और इस तकरीब में इस वक्त जो हमारे शुरका मौजूद हैं वो भी इस सोच के साथ आए हैं कि आने वाली नस्लों को हम ये बता सकें कि हमारी तारीख क्या है। इस हवाले से हमने एक तकरीरी मुकाबला भी रखा है और तकरीरी मुकाबले के लिए मैं दावत दूंगा अलीमा साहबिया को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। लेकिन 23 मार्च को मिली अब जैकी का मुजाहिरा करते हुए
बरेस तवी का वाइड मसला तस्लीम करवाते हुए सब मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और तमाम मुखालिफ ताकतों को ये बावर करा दिया कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबीर से हूँ, जहां पे डट कर लश्कर कलीब से हूँ, मैं जो ही दस्तो गिरेबान नहीं समाने से, मैं जिस जगह पे हूँ किसी दलील से हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम। I am thankful to all of you for giving me this best opportunity to talk about the topic 23rd March 1940 Resolution Day. Many of us listen about the name of resolution, but how many of you know the actual meaning and concept behind it? There is a lot of efforts and struggles have been put behind it. In real world, Pakistan start existing in this world when the first Hindu turned into Muslim on 23rd March 1940. It was much confirmed that the Muslims were in the need of a separate homeland as they desire to live with a complete freedom. This day is special in the sense that Muslims gather at one platform by showing the best unity and brotherhood impression. For the Muslim, this is the day when Allah Almighty showers all His blessing on them. Allah also created this nation as unique and independent, so no one slaves to anyone. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah stated in his speech that we are all Pakistani and love Pakistan. Assalamu alaikum. ये हमारा मुल्क बहुत सी कुर्बानियों से बना है। मेरा बच्चों के लिए ये पैगाम है कि आपके अंदर जो जज्बा है उसे आप निकालें और आपको जो भी शौक है बनने का, इसके लिए एक मेहनत ज़रूरत है। अगर मेहनत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक जज्बा, एक हिम्मत, एक सोच होनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं और ये आज बहुत हमारा खास दिन है। हमारी मुल्क के लिए बहुत सी जानी कुर्बान हुई हैं और मैं अपने मुल्क को सलूट, मेरा सलूट है और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।
वो खूबसूरत बच्चे थे जो इन आज़ाद फजाओं का इजहार कर रहे थे। मैं बात को आगे लेके चल रहा हूँ, प्रोग्राम को आगे लेके चल रहा हूँ। करारदाद पाकिस्तान के इस मुसद्दे को पेश करते वक्त दावत देता हूँ मिस शहनाज को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इस तकरीब के हवाले से और खसूसी दिन के हवाले से वो इजहार ख्याल करें। मिस शहनाज अंदरपुर की हेड टीचर, आज के दिन सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये मुल्क बड़ा कीमती है और बहुत सी कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। अपने मुल्क के लिए सोचें और इसे बिखरने से बचाएं। आप जहां भी हों, जिस फील्ड में भी हों, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को सरंजाम दें। आखिर में मेरा एक शेर आप सब के लिए है, जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज। ये थी मिस शहनाज साहब। अभी मैं दावत देता हूँ तारक खान तनोली, जो हमारे अजहरा के मोस्ट सीनियर साहबी हैं, कालम नगार हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल करें इस हवाले से। आज के मौके की मुनासिबत से मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि बच्चों ने मुकाबले में हिस्सा लिया है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक पोजीशन होती है, वो तो मुकाबले का जो मुकाबला होता है वहाँ उसका तरीकाकार होता है कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। लेकिन बच्चों का स्टेज पर आना और मैदान में आना और हिम्मत से बात करना, इस पर मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं दावत देता हूँ असद शराजी साहब को, जो FM 88.6 स्माइल रेडियो हरीपुर से इनका ताल्लुक है। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो इजहार ख्याल करें। जैसे बता दिया गया, मेरा नाम असद शराजी है, यहाँ पे स्माइल FM 88.6 के लिए मैं काम कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। और आज मैं इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज के दिन को याद रखते हुए तजदीद अहद के लिए इस इवेंट का अरेंजमेंट किया। और ख़ासकर ये बच्चे जो मेरे सामने हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि इन्होंने हमें याद कराया कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह इस मुल्क को हासिल किया था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम अपना रोल प्ले करें, हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करना है, और ये नहीं देखना है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। हमें अपने हिस्से का एक अलम उठाना है और अपने हिस्से का शमा जलाना है। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं दावत दूंगा इजहार ख्याल के लिए हमारे हरीपुर के एक सीनियर साहबी राजा शहादत साहब के, वो स्टेज पे आए और इस तकरीब के हवाले से अपना इजहार ख्याल करें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم میری سب سے پہلی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہر آفت ہر بیماری سے محفوظ رکھے آج کے بچوں نے جو اپنی پرفارمنس کی ہے اس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ بچے جو ہیں کہ اپنا ایسا کردار کریں گے کہ ہم لوگ جو نہیں کر سکے اپنی قوم کو جو احساس نہیں دلا سکے وہ یہ دلاتے رہیں گے۔ میں اس پر شہد بھائی اور شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آج ارینجمنٹ کیا۔ میرے پاس یہاں اسد شرازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ پاک صاحب کے بچوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور آفات اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خوف کے ضلعی صدر
इज़्ज़त माब जनाब मुमताज़ ख़ान साहब को दावत दूंगा कि वह स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज की इस तकरीब के हवाले से अपना इजहार ख्याल पेश करें। मुमताज़ ख़ान ज़िली सदर हब ऑफ प्राइवेट एजुकेशन हरिपुर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आज जिस तरह ये प्रोग्राम अरेंज किया गया 23 मार्च के हवाले से, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक हमारी जो यंग जनरेशन है उसको एक मौका फराहम किया और बच्चों ने जिस तरह कॉन्फिडेंटली यहाँ पे मिली नगमे और स्पीचेस पेश की हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और स्पेशली एक बच्ची है उमेरा तनवीर, उसका जो इजहार ख्याल जो था, जिस तरह उसने मिली नगमे को पेश किया है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव और बड़ी उसकी जो है ना वो कमांड थी अपने वो अदायगी में। मैं स्पेशली उस बच्ची को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि उस बच्ची ने काफ़ी अवार्ड वगैरह इस उम्र में विन किए हैं, तो मैं अपने भी आप पे उस बच्ची के लिए 1000 रुपीज का प्राइस का ऐलान करता हूँ। और उसको मैं स्टेज पे यहाँ पे बुलाता हूँ कि वो आकर मुझसे जो है ना ताकत तुम्हारे सर पर कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। जनाब, मैं इस वक्त तमाम जज साहिबान असद शेराजी साहब, मुमताज़ ख़ान साहब और सैयद मुख्तियार शाह साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और आज के इसके मुकाबले का पोजीशन हासिल की है उमेरा तनवीर, दूसरी पोजीशन युसरा एंड साथी, तीसरी पोजीशन है तो रात तकरीरी मुकाबला था जी, इसमें पहली पोजीशन है अलीमा सादिया, दूसरी पोजीशन है अमजा मलिक और दुआ इमरान। पाकिस्तान की सलामती के लिए, अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए, कोरोना वायरस से इस कौम की जान बख्शी के लिए खुसूसी दुआ करें।